हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स फॉर 12th क्लास केमिस्ट्री इन यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टुडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, ये जैसे हमारे पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है ऑक्सीडेशन वाला होता है और एक दूसरा रिडक्शन वाला होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनकी वो टेंडेंसी जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेसिकली द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो टेंडेंसी जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करते हैं उसको बोला जाएगा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का, ठीक है। तो ये होता है बेसिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग, ठीक है। और कब होता है ये टेंडेंसी कब देखी जाती है, जब सोल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं वो भी जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोड है उसी मेटल के होंगे, ठीक है। कब, जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आयंस हैं इस सोल्यूशन के अंदर जो आयंस बन रहे हैं जैसे Zn और SO4 है, तो ये जब आयंस के अंदर ब्रेक होगा तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का है, और आयंस भी किसके बन रहे हैं, जिंक के बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जिंक का की टेंडेंसी जिससे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयंस, ठीक है। जब वो अपने आयंस के सॉल्यूशन में जब आता है के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली लूज कर देता है, तो उस टेंडेंसी को बोला जा रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक रोड, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर रोड क्या होगा, जब कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है जिसके अंदर ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में है कॉपर, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसके साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से क्या हो जाता है इसमें रिडक्शन हो जाती है, और इस पोटेंशियल को ही हम बोलेंगे, जो ये टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर रोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद रखना है इसमें जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी मेटल के क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन के अंदर, तभी वो क्या करेगा, उनके साथ या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो है फैक्टर्स कौन से हैं जिसपे इफेक्ट करता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है, जो टेंडेंसी है उसकी वो हाई होगी या लो होगी, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोड की। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनपे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल का नेचर कि कैसा टाइप का मेटल है, ठीक है, वो ज्यादा लूज कर सकता है या कम लूज कर पाएगा, ठीक है, या कम गेन कर पाएगा या ज्यादा गेन कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, जब ये अपने सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आता है, अपने आयंस के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ मेटल, सेकेंड है कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, आयंस किसके आयंस, जो मेटल है उसके कितने आयंस प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि उसके आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये भी अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के जो बढ़ाने या घटाने पर
भी वैरी करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो वेरियस टेम्परेचर पे वैरी करता है। तो टेम्परेचर भी बहुत ही बड़ा क्या है, एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है। तो ये है बेसिक मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप देख लेते हैं। वैसे बेसिकली ये टू टाइप का होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्या होता है बेसिकली टू टाइप का होता है जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। एक होता है ऑक्सीडेशन, पोटेंशियल, और दूसरा रिडक्शन। दूसरा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इनके नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन के क्या अंदर क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रोड की जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब तो वो कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इजी है क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर पढ़ा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी वही होगा जो पोटेंशियल, जो टेंडेंसी जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का को लॉस कर रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन झेल रहा है, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। बेसिकली जो है ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसे इसके अंदर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड का क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं इसके वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो और यहां पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है अपने आयन से, तो यहां पे कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तो है बेसिक जो डेफिनेशन किसकी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और रिडक्शन पोटेंशियल की। बट करंटली जो करंट कन्वेंशन है आईयूपीएसी की, आईयूपीएसी जो है बेसिकली, आईयूपीएसी क्या होता है, आईयूपीएसी एक यूनियन है, ठीक है, जो इंटरनेशनली क्या करती है, रिसर्च करती है और स्टैंडर्ड सेट करती है फॉर केमिस्ट्री। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या है, एक संगठन है जो केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड सेट करता है, कोई भी चीज की केमिस्ट्री में कैसी जानी जाएगी, इंटरनेशनली कैसे उसको डिनोट किया जाएगा, किस यूनिट से उसको मेजर किया जाएगा, या क्या जो है सिंबल से वो डिनोट किया जाएगा, ठीक है। एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन या कोई भी टर्म वो आईयूपीएसी द्वारा ही की जाती है इंटरनेशनली, ठीक है। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अब जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाला फैक्टर ही मतलब खत्म कर दिया है एक तरीके से, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोड है उसके जो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अब यहां पे हम क्या बोल रहे थे कि जिंक का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और कॉपर का क्या होगा कि टेंडेंसी को क्या हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन आईयूपीएसी के द्वारा अब ये कर दिया गया है न्यूली कन्वेंशन के द्वारा कि जो है चाहे ऑक्सीडेशन, चाहे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही हो या रिडक्शन रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, दोनों केसेस में जो पोटेंशियल होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल ही बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लेंगे। अब जो है आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद, अब आ जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बार जान लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो जब जो मैटर है, कोई भी पर्टिकुलर मैटर है
उसका उसके आयंस है जो वो उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल, ठीक है, जो 1 मोल मोलैरिटी हो आयंस की किसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि अगर हम जिंक का ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम जिंक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, यहां से मैं स्टैंडर्ड लिख रहा हूं उसके आगे भी, अगर जिंक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं मैं, तो अगर 1 एम मोलैरिटी लेते हैं, मोलैरिटी लेते हैं किसकी, जिंक सल्फेट की, यानी कि इसके अंदर जो आयंस होंगे जिंक के वो कितने होंगे 1 एम होंगे, ठीक है, 1 एम मोलैरिटी होगी इसकी, ठीक है। तो जब अगर हम 1 एम मोलैरिटी लेते हैं किसी भी आयंस की जो मेटल के हैं, ठीक है, और उसको क्या रखा जाता है कितने पे 298 डिग्री केल्विन, ठीक है, 298 डिग्री केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है 298 डिग्री केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पर उसको जब रखा जाता है, ठीक है, और मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 1 मोल, कितनी होनी चाहिए मोलैरिटी 1 मोल होनी चाहिए, ठीक है, तब उसके जो बीच का जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि जब जिंक की भी हमने कितनी रख ली 1 एम रख ली मोलैरिटी, और कॉपर की भी 1 एम रख ली हमने मोलैरिटी, तो इनके जब उस टाइम पे इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ई नोड से, ई नोड क्या है, ई नोड क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको डिनोट किया जाता है ई नोड से, और इनकी यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर वोल्ट के अंदर मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। सो दिस इज द होल टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अब एक बार थोड़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, ये स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर क्या होता है, एक बीकर के अंदर एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर क्या है एक प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर है यानी कि प्लेटिनम मेटल की एक वायर है जो कि किसके साथ कोटिंग की गई है, जिसकी एक प्लेटिनम ब्लैक के साथ क्या की गई है कोटिंग की गई है। प्लेटिनम ब्लैक क्या है, एक प्लेटिनम का एक टाइप है जो क्या कर सकता है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या किया गया है प्लेटिनम ब्लैक के साथ कोटेड किया गया है, किसको प्लेटिनम वायर को, ठीक है, और यहाँ पे ग्लास ट्यूब है जो रखी गई है बीकर के अंदर, जिसको यहां से एक ओपनिंग दी गई है जिसके थ्रू हाइड्रोजन गैस को 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर या 1 बार ऑफ प्रेशर के साथ क्या किया जाएगा अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, किसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ये 1 एम ऑफ HCl सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1 एम है, ठीक है, HCl को इसके अंदर HCl के अंदर इसको डाला जाएगा H2 गैस को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा फंक्शनिंग, जब इसको ऐसे किया गया तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था उसमें क्या पाया गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रोड बनाया गया है ये कैसा काम कर रहा था, ये एज ए कैथोड भी काम कर रहा था और एज ए एनोड भी काम कर रहा था। कैसे, एज ए कैथोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शोज द रिएक्शन कि जब कैथोड के रूप में क्या होता है कैथोड पे क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो गया, जब
ये इक्वेशन ये रिएक्शन जो है निकलकर सामने आई, और एनोड के ऊपर अगर देखा गया एज ए एनोड जब इसको रखा गया तब जो है ये रिएक्शन ही अपोजिट थी, यानी कि H2 जो है किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड में आएगा, सॉरी गैसेस फॉर्म में आएगा, और ये एक्वस में है, ठीक है। H2 गैस किस में ब्रेक डाउन हो गई, 2s पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के रिलीज के साथ, ठीक है। तो ये जो है आया हमारे पास रिजल्ट की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड के रूप में भी काम कर रहा है और एनोड के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, और इसने इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे पीटी जो कि क्या है प्लैटिनम है, ठीक है। H2 जो कि गैस है और H+ जो कि क्या है एक्वो स्टेट में है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, जो कि एक क्या करता है एज ए कैथोड भी काम करता है और एज ए एनोड भी काम करता है। तो बच्चों जो है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी जो लिमिटेशन है वो देख लेते हैं एक बार कि किस कमी से इसको जो है एक सूटेबल इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं डिनोट किया जा सकता, क्या लिमिटेशन है इसकी, ठीक है, जो इसको यूज करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो इसकी लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट तो लिमिटेशन ये है, इट इज नॉट इजी टू मेंटेन द हाइड्रोजन गैस इनसाइड द HCl सॉल्यूशन एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, हमेशा ही कंटेन रखने के लिए 1 एटमोस्फेयर सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रेशर की, ठीक है, जो प्रेशर की प्रॉब्लम है सबसे पहला पॉइंट क्या है प्रेशर का बारे में है, कितना ये इजी नहीं है किस पे 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या करना हाइड्रोजन गैस को उसके अंदर मेंटेन रखना, ठीक है, इतने कम जो प्रेशर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है कितनी 1m कंसंट्रेशन है, इसके अंदर भी इसको कंटेंट नहीं रखा जा सकता, क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि HCl जो है HCl क्या होता है HCl एक गैस है, ठीक है, HCl क्या है गैस है, हम यहाँ पे लिक्विड स्टेट में देख रहे हैं, हमने बीकर के अंदर क्या देखा कि लिक्विड है HCl, ठीक है, लेकिन वो क्या है वो एक HCl को लिक्विफाई किया गया है, कैसे जो गैस है उसको अंदर जो HCl गैस है उसको रखा गया है इसके अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल है, और अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर इसको खुला कर दिया जाए ऊपर से बीकर को, तो जो HCl है वो फिर से गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को इसके अंदर जो है मेंटेन रखना भी काफी एक टफ वर्क है, इसलिए ये भी इसकी एक क्या है ड्रॉबैक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो प्लैटिनम है वो इंप्योरिटीज के साथ रिएक्शन कर लेती है, जो प्लैटिनम है थर्ड है प्लैटिनम मेटल, ठीक है, थर्ड है प्लैटिनम मेटल, ठीक है, क्या है इसकी प्रॉब्लम कि ये जो साथ में जो इंप्योरिटीज हैं उनके साथ पॉइजनेटेड जो है स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, जहरीला स्ट्रक्चर बना लेती है पॉइजनेटेड क्यों कौन प्लैटिनम, जो प्लैटिनम मेटल है उसके साथ अगर जो कुछ इंप्योरिटीज आ जाए उसके ऊपर तो ये क्या बना लेती है पॉइजनेटेड स्ट्रक्चर बना लेती है। सो दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, कि क्यों हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मोस्ट प्रोबेबली क्या यूज नहीं कर पाते इन 3 लिमिटेशंस की वजह से, इन 3 कमियों की वजह से। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल यूज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस सेल्स, जैसे हम डेनियल सेल के अंदर भी जानेंगे कि वेरियस जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है उसका
पोटेंशियल कैसे निकालेंगे और रिडक्शन सेल जो हाफ सेल है उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सेल का, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हमेशा इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और IUPAC द्वारा गिवन है कि जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू क्लास।